व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वॉचिंग एस्ट्रियक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हर खरीद से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं चिड़िया घर वाले पीर बाबा, आगे लिखा हुआ है रोस्ट और फिर लिखा हुआ है कि ज़रा पर्दा हटा दो, ज़रा थोबड़ा दिखा दो, मुखड़ा भी नहीं सीधा, थोबड़ा। ओके, देखते हैं क्या सीन है। पॉलिटिकल रोस्ट होने वाला है या फिर हो सकता है वो बीच में एक सीरीज थी ना, क्या था, मजहब की खूबसूरती, शायद उसमें से क्लिप्स हों। बहरहाल जो भी होगा देख के पता लग ही जाएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हेडफोन्स लगा लेना, दिल पे मत लेना, दे आर जस्ट फॉर फन। बिलो द बेल्ट कोई चीज़ हुई वो वैसे ही स्किप हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, 3, 2, 1 ने। तो तुम दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं। अच्छा, तो अब्दुल तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं आपके लिए ताजमहल बनवाऊंगा। अच्छा, और अर्जुन तुम? मैं इसके ताजमहल को तोड़ के मंदिर बनवाऊंगा। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। इतना सारा माल कहाँ छुपाया, बताए इन्होंने? मैं पूरी गुफा रखी हुई है क्या छुपाने के लिए? ये बार बार बीजेपी पूछती है, लेकिन यही सच्ची सच्चाई है, क्योंकि यही इतिहास है। अगर आपने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं किया तो ये सच्चाई है। आ जाइए आप, जब 1980 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट हुई, 9 साल तक आपने लागू नहीं किया, 90 में लागू हुआ, उसके बाद से गुट पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार ही नहीं बनी। बिहार यूपी में तो आ ही नहीं पाए। अब सवाल यह है कि 11 के सेंसस के भी आंकड़े आपने दबा के रखे, बोलते रहे कि इसमें गड़बड़ियां हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, 14 तक आपने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अब जब आपको लग रहा है कि जाति के आधार पर बटता हुआ हिंदू आपको वोट देगा, तब आप जाति 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 जाति, बजट पर चर्चा जाति, फला पर चर्चा जाति, कास्ट सेंसस, ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी, वोट के चक्कर बाबू भैया। होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। मुझे नहीं समझ आ रही कैसे आप करेंगे। मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला यही कि आप पहले तो कहते थे कि मतलब मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में आप लोग पीछे रहे, अब आप कहते हैं कास्ट सेंसस से आप आरक्षण को और बढ़ाएंगे, तो करेंगे क्या? अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। कास्ट सेंसस का नेट रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि बिहार में हमने देखा है 50 से 65% किया, हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, तो करेंगे क्या? देखिए, एक तो रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने बेंच ने रूल किया है बिहार में आरक्षण बढ़ाने पर, हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है, तो आरक्षण पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप धूल झोंकते हैं लोगों की आंख में कि आप आरक्षण को भी बढ़ाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वरना रास्ता दिखाई नहीं देता भारत की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में। दूसरा, अगर आप ईमानदार हैं, नहीं अभी सवाल तो पूरा सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए, जैसे उनसे पूछा आपसे भी पूछे सवाल। आपके 3 राज्यों में मुख्यमंत्री है, आप बताइए, राहुल गांधी फोटो लेकर आते हैं कि देखिए हलवा सेरेमनी में आपको एक भी पिछड़ा अधिकारी दिख रहा है। आपके 3 राज्यों में सरकार है, अभी आपने रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया, ठीक है रेड्डी साहब, अब आप बात पे जाती पूछते हैं ना, क्यों नहीं पिछड़ों को बनाते हैं, आप क्यों नहीं बनाते हैं साहब, खुद क्यों नहीं बनाते, अपने उससे शुरू करो। आप चीफ सेक्रेटरी बनाते थे, चीफ सेक्रेटरी जो है हिमाचल प्रदेश के वो है प्रबोध सक्सेना, कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी रजनीश गोयल, अरे आप बना देते, अगर इतना आपको लगता है कि अधिकारियों का प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का नहीं है उसमें, आप बना दीजिए ना, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, कास्ट सर्वे के नंबर्स रिवील कीजिए, कर दीजिए कास्ट एक्सरे, ले आइए सामाजिक न्याय, लेकिन धूल झोंकना है। वाह दीदी, वाह दीदी, इसका बोल मैं पूरी तैयारी करके दूंगा। दीदी दीदी, इट्स नॉट प्रिसाइसली द मोस्ट एक्यूरेट, इट्स बोल गया पप्पी भाई बन जाता है ये भूला। अरे बस कर, आगे भी जाने। यू रियलाइज आई एम थिंकिंग। ओके जी, तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल वीडियो था जिसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो था वो अंजना ओम कश्यप का एक पॉलिटिकल या टॉक शो का डिबेट था, जिसमें वो क्वेश्चन कर रही थी और उसने कांग्रेस के बंदे की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, मतलब चीछड़े उड़ा दिए। क्योंकि जब आप इस तरह से तैयारी करके बैठे हो ना, कि फिर जो दूसरा उसका ओपोनेंट आया होता है ना, उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। देखें,
जब बात नेशनलिज्म की हो ना, फिर अपनी जो ये जो जात पात जात मतलब इसको पीछे रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वोट मांगा जाता है बिरादरी, और जिसे आप हम बिरादरी कहते हैं, आप जात कहते हैं, तो इसकी बेस पे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, बिरादरी के बेस पे वोट मांगा जाता है, इतना पार्टी की बेस पे नहीं पड़ रहा होता जितना बिरादरी की बेस पे पड़ रहा होता है। तो उन्होंने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया कि आप जो इतना शोर में चाहते हो, आपने खुद क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की थी? इस वजह से क्योंकि उस वक्त ये सोल पावर में थे, अब ये पावर में आ नहीं पा रहे, तो ये फिर जात पात को जो है ना यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा वो बंदी थी बुरके वाली भाई, क्या उसने अंदर कोई थैला बांध रखा था, क्या था मतलब, तो सामान ही सामान निकली जा रहा था, इतना सामान कहाँ से ले आई? और फिर था वो ताजमहल वाला, वो तो सही था, ठीक है, वो तो होते ही रहते। और राहुल गांधी हमेशा की तरह मतलब हैंग हो जाता है यार ये बंदा, फिर मुझे कमेंट आते हैं कि नहीं भाई बड़ा सही है, पता नहीं कौन इसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग कर रहे। बहरहाल जी, ये थे पॉलिटिकल रोस्ट, आई होप सो आपको पसंद आया होगा, मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।